एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मौसम बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ का। आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ लखनऊ में बारिश हो रही है सुबह से ही। बहुत अच्छा मौसम किया है अभी। कल नहीं, परसों भी बारिश हुई थी। कल बारिश नहीं हुई थी, बट मौसम जो है काफ़ी ठंडा करने लगा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो फेस पे जो लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं नहा धो के आई हूँ छत पे पूजा पाठ करके। मैं सोची कि चलो थोड़ा सा छत पे नेचुरल जो हवा होता है उसके साथ बैठते हैं और नेचर के साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे कहा है थोड़ा सा धूप में बैठने के लिए डेली, तो इसीलिए जब मौका मिलता है तो आ जाती हूँ। ये देखिए चेयर पर कितना पानी भर गया है, उसको पहले गिराती हूँ उसके बाद इस पर मैं बैठूँगी, लेकिन गीला हो जाएगा फिर सारी मेरा। अभी मैं यहाँ पे चेयर पे बैठ गई हूँ। चेयर पर से जो पानी था उसको मैंने गिराया नीचे, उसके बाद चेयर को पोछी हूँ फिर बैठी हूँ, अदरवाइज मेरा साड़ी पूरा गीला हो जाता, फिर से मुझे चेंज करना पड़ जाता। पीछे आप लोग कौवा की आवाज़ सुन रहे होंगे। डेली मैं रोटी देती हूँ ना कौवा को, तो उसको आदत लग गई है, और जब भी मैं रोटी देना भूलती हूँ ना वो याद दिलाता है आवाज़ ऐसे करके बोल बोल के, पीछे आप लोग सुन रहे होंगे। तो पहले मैं उसके लिए रोटी ला दूँ, उसके बाद फिर बात करूँगी आप लोग से। कौवा के लिए मैंने रोटी रख दिया है, इसके बाद थोड़ा सा चेयर पर बैठ कर नेचर एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है बैठती हूँ तो। गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे अंगूठे वाले उंगली पे एक छोटा सा गिलट टाइप का हो गया है, कॉर्न हो गया है। तो यहाँ पे अभी पतिदेव कॉर्न कैप्स लगा रहे हैं। ये लगाने से शायद ये जो कॉर्न है वो फट के निकल जाता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और ये देखिए लखनऊ का हाल। बारिश हो रही है, आज मैं फंस गया। जैसे ही निकलने के लिए मैं रेडी होकर के तैयार था कि मैं घर से जाऊंगा, मैं बारिश में फंस गया। हम लोग देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है, रोड में पानी भर चुका है। और मैं 10-15 मिनट देख रहा हूँ, वरना फिर मैं कार से निकल जाऊंगा। कार में ट्रैफिक जाम में फंसने का डर लगता है ना, इसलिए नहीं जाता। सुबह का टाइम ऑफिस आवर्स में बहुत ज़्यादा जाम होता है। आ चुकी हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्जी, जिसके लिए मैंने गोभी काट के और गर्म पानी में उबलने के लिए रख दिया है, ताकि कीड़ा वगैरह जो भी होता है निकल जाए। और इधर छिलके अभी पड़े हुए हैं जो मुझे फेंकना है। आलू गोभी और प्याज मैंने काटा, वो सब छिलके हैं। और गोभी को मैंने गर्म पानी से निकाल लिया है। बस थोड़ा सा गर्म पानी मैं डालती हूँ ना, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े हों सब निकल जाए और गोभी थोड़ा सा उबल भी जाए। प्याज भी छील ली हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बारिश के कारण पतिदेव की छुट्टी हो गई है। छुट्टी हुई नहीं है, जब तक बारिश हो रही है तभी तक इनकी छुट्टी होगी। तब तक ये अपना दालमोट वगैरह खा रहे हैं और मेरे को कंपनी देना है किचन में। और मैं इधर बना रही हूँ गोभी फ्राई आलू की सब्जी। ये मैं गोभी फ्राई कर रही हूँ। इधर मैंने टमाटर और प्याज काटके रख लिए हैं। आलू गोभी जो है वो फ्राई हो चुका है। गोभी फ्राई हो चुका है। पतिदेव कह रहे हैं कि आज एकदम मतलब मसालेदार अच्छी सी गोभी की सब्जी बनाना है ना। चटपटा, आप तो मिर्च खाते नहीं, तो चटपटा कैसे बनाऊंगा? डाल दूंगी। देखिए आप खुद बोले हैं, ये मत कहिएगा कि नहीं मैंने तो मिर्च मना किया था। डाल देना, डाल देना। हरी मिर्च जो पतिदेव बोले हैं, ये चौकी बेलन निकाल के रखी हूँ, इसमें आटा निकाल के रखी हूँ, अभी आटा गूंथूंगी। ये हो गया, इसके बाद इसमें डालोगे कसूरी मेथी। क्या डालोगे? कसूरी मेथी। हाँ, ये थी डालोगे? ये थी मेथी के बारे में। बस थोड़ा पानी, ज्यादा नहीं। और ये जो है अब गर्म हो गया है, तो इसमें डाल रही हूँ प्याज।
तो आप लोग देख सकते हैं, रविना एक तरफ सब्जी बना रही है, दूसरी तरफ आटा गूंथ रही है, रोटी बनाने की तैयारी चल रही है। मोटी की मोटी बनाएगी मस्त मस्त रोटी। एक ही हाथ में आटा गूंथ रही हूँ, दूसरा हाथ में ब्लेंडर। आलू और प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो इसमें मैं अब मसाले डालती रही हूँ। यहाँ पे हल्दी डाल दिया मैंने एक चम्मच, और एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इन सबको फ्राई कर लूँगी। टमाटर भी अभी ही डाल दे रही हूँ ताकि टमाटर भी फ्राई हो जाए। बार बार जाने जाने कर रहे हैं बट जा नहीं पा रहे हैं। चश्मा उसमें लगा के बाइक निकाल के तैयार हैं बट बेचारे जा नहीं पा रहे हैं, बारिश होने लग जाए। क्या गेट खोल दें? बारिश रुक गई। इतना हो गया कि हम जा सकते हैं। मैं गेट खोल देती हूँ, पानी लग गया है रोड पे। यहाँ पपीता जो है वो भी बारिश से भींग रहा है। बाय। तो पतिदेव चले जा चुके हैं, और अब मैं रोटी भी बनाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि अभी नाश्ता बना नहीं है पूरा। सबको भूख लगी है, थोड़ा सा लेट हो गया आज बारिश की वजह से। और आजकल पतिदेव सुबह ही चले जाते हैं क्योंकि उनका काम ऐसा हो गया है कि सुबह ही जाना होता है, और फिर वो दोपहर में खाना खाने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पतिदेव क्या करते हैं, तो मैं जल्द ही बताऊंगी आप लोग को। यहाँ पे मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि सबको भूख लग गई है। तो अब मैं ससुर जी की थाली लगाऊँगी। सब्जी भी पक ही गया है अच्छी तरह से, तो अभी मैं ससुर जी के लिए थाली लगाने लगी हूँ। यहाँ पे सब्जी मैं निकाल ले रही हूँ बाउल में, और यहाँ पे लग गई है ससुर जी की थाली। ससुर जी को अलग अलग तरह के वैरायटी पसंद है, मतलब उनको सब्जी में 3-4 चीज़ें मिल जाए तो उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे रोटी वगैरह मैं बना दी हूँ, अब जा रही हूँ उनको देने। और सब लोग जैसे जैसे मैं रोटी बनाती गई वैसे वैसे खाते गए गरम गरम रोटी ही। तो अब बच गए हैं मैं, मेरे पतिदेव और मेरी सासू माँ, तीन लोग बच चुके हैं। तो सब्जी भी आधी हो चुकी है, तीन लोग खा लिए हैं, तीन लोग बचे हुए हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से खाएंगे। पतिदेव दोपहर में आते हैं, और इधर आप लोग देख सकते हैं बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि बगान में भी पूरा पानी लग गया है। और ये जो मेरा बैंडेड लगाए थे पतिदेव सुबह में, ये निकलने लगा है। जब भी मैं काम करती हूँ ना तो भींग जाता है और निकलने लगता है। हम आपको दिख रहे हैं। अरे खोलो ना यार। दिख रहे हैं हम आपको। क्या बताओ, सारे पानी? हाँ सारे पहने, मन किया तो पहन लिए। ये गिफ्ट अपना। ये मेरा गिफ्ट है, अमेजोन पार्सल। इसमें क्या है? खोलोगे तो पता चलेगा। बिना खोले पता नहीं चलेगा? आप बता देंगे तो शायद पता चल जाए। नहीं, सरप्राइज है। अच्छा ठीक है, हेडफोन है क्या? खोलो तो तब पता चलेगा। खाना ले आऊं? हाँ, तेल का दुकान बंद था जैसे। ठीक है, 3 बज रहे हैं और पतिदेव आ चुके हैं लंच करने के लिए। सुबह में ये नाश्ते में बिस्किट वगैरह ही खाते हैं, ब्रेड वगैरह ही खाते हैं। दोपहर में आते हैं तो फिर लंच में रोटी सब्जी खाते हैं। तो अभी हम लोग साथ में खाना खाएंगे, फिर बात करेंगे। रात के 11 बज रहे हैं, मैं आई थी छत पर टहलने के लिए, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज चंदा मामा एकदम गोल से निकले हुए हैं, बहुत सुंदर बहुत प्यारे से, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। और कहा जाता है, मेरी मम्मी बताती हैं ऐसा, कि शरद पूर्णिमा के दिन आप जितना हो सके उतना चंदा मामा की रोशनी ले अपने बॉडी में, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने गूगल पर सर्च करके पढ़ा भी है कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप चांद मामा की रोशनी में अपना शरीर को मतलब रखते हो, जैसे कि सूरज की धूप हम लोग लेते हैं उस तरह से चंदा मामा की रोशनी अगर आप लेते हो ना, तो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आज के दिन खीर बना के भी खाया जाता है, खीर रखा जाता है चंदा मामा की रोशनी लगने के लिए, और उसके बाद वो खीर जो होता है वो अगले दिन खाया जाता है। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ रूम में, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रूम में भी सिर पे पल्लू लेके क्यों बैठी हूँ। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, जैसे मेरा पीठ दिख रहा है, मेरा पेट दिख रहा है। तो काफ़ी दिनों से मैं आप लोग से कुछ बातें करना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी, कुछ आप लोग के सवाल हैं जिसका जवाब देना चाहती थी, बट मतलब समझ में नहीं आया था कि इस टॉपिक पे मैं कैसे बात करूं। तो जैसा कि टाइटल देखे आप लोग समझ ही गए हो, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे यूट्यूबर्स फ्रेंड या फिर मेरे सब्सक्राइबर्स, कम से कम 20-25 लोग तो पूछ चुके होंगे मुझसे सोशल मीडिया पे कि रविना तुम्हारा कास्ट क्या है, क्या तुम ब्राह्मण हो? तो मुझे नहीं लगता है कि जाति कोई मायने रखती है। अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो मुझे नहीं लगता जाति या धर्म से कोई फ़र्क पड़ता है, बट फिर भी आप लोग पूछते हो तो मैं सोचती हूँ जवाब दे दूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ब्राह्मण हो के तुम लोग अंडे खाते हो,
और प्याज लहसुन खाते हो तुम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तो थोड़ा सा अजीब लगता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के, बट फिर भी मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप लोग के मन में जो भी आता है बात, जो भी सवाल आते हैं, वो आप लोग का पूछने का हक बनता है, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आप लोग के साथ अपना लाइफस्टाइल शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग का भी हक बनता है कि आप लोग जो भी मतलब आप लोग के मन में सवाल है वो पूछें और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँ। तो यही था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं, अंडे खाते हैं। शायद पिछला कोई ब्लॉग देखे होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर्स ये कमेंट किए थे, जिसमें मैं अपने पतिदेव के लिए ऑमलेट बना रही थी, तो शायद उनको ऐसा लगा होगा कि हम लोग ब्राह्मण होकर ऑमलेट खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं। बट मैं आप लोग को ये बता देती हूँ गाइज, पहली बात तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रवीना तुम ब्राह्मण हो, और रही बात जाति की, तो जाति मैं नहीं बताना चाहती हूँ यूट्यूब पर, बट फिर भी आप लोग अगर बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं बात, तो मैं कभी ना कभी बता दूँगी। मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे ये सब जाति वगैरह की बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोग के मन में इच्छा हो जानने की, तो कोशिश करूँगी कि बता दूँ। वैसे आप लोग अभी गेस करो कि हमारा कास्ट क्या होगा, आप लोग मेरा मायका भी देखे हो, मेरा ससुराल भी देखे हो, तो आप लोग बताना कि क्या लगता है आप लोग को हम लोग कौन से कास्ट से होंगे। हिंट दे दूँ आप लोग को, हिंट बस इतना दे दे रही हूँ कि हम लोग भगवान के वंशज हैं। अब इतना से तो पक्का समझ गए होंगे आप लोग कि हम लोग कौन से कास्ट के हैं। और रही बात जातीयता की, मुझे नहीं लगता है कि जातीयता करनी चाहिए, क्योंकि मैं जब धर्म को नहीं मानती हूँ अलग अलग, तो फिर जाति को क्या अलग अलग मानूँ। भगवान सबको एक जैसा बना के भेजे हैं, किसी का ऐसा नहीं कि लाल पीला खून डाले हों अंदर, सबके अंदर जो खून दौड़ता है वो लाल रंग का ही है। भगवान वहाँ से किसी को भी अलग अलग करके नहीं भेजे हैं कि जाओ तुम इस जाति के हो या फिर इस धर्म के हो, सबको भगवान एक जैसा बना के भेजे हैं। हम लोग यहाँ धरती पे आके इंसान जो है वो हम इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, ये सब करती हैं, जो कि इन सब चीज़ों पे मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। मैं बस इंसानियत विश्वास करती हूँ, इंसान को बस दिल से अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छे करने चाहिए, बस इससे बड़ा कोई जाति या कोई धर्म नहीं होता है। और रही बात चूल्हे पर पानी में डूब मरने की, प्याज लहसुन खाने की और अंडे खाने की, तो मेरे पतिदेव को अंडे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जिसको जो पसंद होता है गाइस वो तो खाता ही है। ऐसा नहीं कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो सामने वाले को भी ना पसंद हो। और प्याज लहसुन खाने की बात, तो आजकल हर घर में प्याज लहसुन बनता है, चाहे वो पंडित हो, ब्राह्मण हो या फिर कोई भी कास्ट हो, सबके घर प्याज लहसुन बनता है। साधु संत के यहाँ ही नहीं बनता है, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ नहीं बनता है, अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के यहाँ तो प्याज लहसुन बनता ही है। तो इसमें कोई बुराई मुझे नहीं लगती है, बस मैं इतना ही जानती हूँ कर्म अच्छा करो, दिल के अच्छे रहो, इंसानियत के रास्ते पे चलो, ऐसा नहीं कि बुरे कर्म करो, और इंसानियत के रास्ते पे चलना चाहिए, दिल का अच्छा होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जाति धर्म कुछ नहीं होता है, सब भगवान बना के भेजे हैं हम लोग को, सबके मालिक जो हैं एक हैं, ऊपर वो देख रहे हैं कौन कैसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। अगर आप लोग मेरे जाति के बारे में इतना ज़्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा, कभी मैं बता दूंगी आप लोग को। वैसे ये सब मुझे सही नहीं लगता है, बट फिर भी आप लोग के सवालों का जवाब देना मुझे जो जितना सही लगता है दे देती हूँ, जो नहीं सही लगता है नहीं देती हूँ। तो चलिए गाइज, फिर इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत।